न्यू बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली हेलो हेरे वो आगी बने के घर वाली चिड़िया एक थी ने ब्याहली वो आगी बने के घर वाली हो रे दिल में पड़े गई आप बैठ गया वो चिड़िया रे मुड़े रे पे हारे वो चिड़िया बैठ जाता है जो पहली चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है उन्हें तो ये पता है कि हमारी माँ अभी बाहर गई हुई है खाना लेने के लिए आके हमें बड़े प्रेम से खाना खिलाएगी क्या सोचने लगे क्या बताया के गीत गाते होंगे हाँ? चुग्गा लेके आवेगी माँ चोगर दे लखाते होंगे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे आते होंगे पिता रे घूमे के करेंगे मारा चूम के आते होंगे पिता रे घूम के लाड़े करेंगे मारा चूम के हो रे मंतर सा रह जाप भूखे की रे उसकी चेहरे पे कभी किसी की सगी नहीं होती वो बिल्कुल सच्ची बात लिखी है
कि मौसी कभी किसी की सगी हो नहीं सकती, और दूसरी बात के माध्यम से कैसे लिखा क्या बताया। दोनों नीचे गेर दिए पेट की दो फाड़ करके, चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीच डाड़ करके, वो चिड़े की ना पार बसाई, रोया नीच डाड़ करके, हर कैसी लहरे दा रद की दड़ में चीड़ी की जड़ में, धर कैसी लारे का रद की धड़ में, बैठा चीड़े ची डी की जड़ में, हो रे बच्चे करे थे बिलाप पहुँच गए पड़ी हुई है, सारी घटना को देख रही है। रानी रूपमती के मन में ख्याल आता है कि मैं भी काफी बीमार हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और राजा दूसरी शादी कर ले। अरे जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को आते ही मार डाला, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो। अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया, आंखों में आंसू ले आई, ऐसे अपने बच्चों को पुचकारा, क्या बताएं। रानी थी बीमार पड़ी ये सारी करतूत देखे, मौसी बेटे खानी जीते, जागते सपूत देखे, आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे, देखे जीव सा भी दुख भरे ते, औरत के फंदे जो पड़े ते, देखे जी के जो पड़ते हो रे, जैसे नाम जैसा पितरा जी की रे महार सपे रे पे हारे, वो चिड़िया एक चीड़े ने ब्याली, वो आगी बड़े
बंदी को अपने पास बुलाया, एक बात कही कि बंदी जा महल में, और राजा को मेरे पास बुला के ले गया। राजा को अपने पास बुला लिया, सारी घटना को बता दिया कि महाराज उस चिड़े ने उस चिड़िया के साथ में ऐसा ऐसा किया, कल को मैं मर जाऊं मुझे कुछ हो जाए आप दूसरी शादी नहीं करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं रूप और बसंत, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मेहरबानो। इतना कहते ही रानी स्वर्ग सिधार जाती हैं, और कैसे तोड़ किया कवि ने, क्या लिखा, कहानी कह के दिल का मिटाया घाव, रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में जाते के बाहर, ये रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में जाते के पावे, राव क्रिया लगे हर करण लास की तुक बंदी गुरु शरण दास की, राव क्रिया लगे करण लास की तुक बंदी गुरु शरण दास की, हो रे गलती कर नामा पिधरा के Cheers।